हाँ, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। तो हम लोग को कुछ बात याद रखना होगा कि डिबेंचर का मतलब होता है लोन। जब भी किसी कंपनी को लोन लेना होता है तो उसके पास दो तरीका होता है। पहले जाके बैंक लोन ले लो, जिसको हम लोग टर्म लोन भी कहते हैं, और दूसरा तरीका है डिबेंचर इशू कर दो। तो यहाँ पे हम लोग जब सम करेंगे तो कंपनी बनकर करेंगे। तो हम लोगों को लोन चाहिए, हम लोग क्या किए, कुछ डिबेंचर इशू कर दिए। अब डिबेंचर इशू करने का ऊपर 6 केस है, तो हम लोग एक एक करके सारे केस को कवर करेंगे। पहला केस 1, केस 1 में है इशू एट पार कॉमा रिडीम एट पार। इसका मतलब क्या हुआ, रिडीम मतलब होता है पे ऑफ करना। तो हम लोग इशू किए मतलब लोन लिए हैं 100 रुपया, और पे ऑफ भी करेंगे 100 रुपया। इशू करना मतलब लोन लेना, रिडीम करना मतलब लोन पे ऑफ करना। सिंपली ये वर्ड समझ के रखो। तो हर चीज का दो एंट्री होता है। तो इसका पहला एंट्री क्या होगा, लोन लेना मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। हम लोग के बैंक में पैसा आया और किस नाम से आया, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट से आया। नंबर ऑफ डिबेंचर हम लोग के पास कितना है, टोटल 1000 डिबेंचर हम लोगों का है, और डिबेंचर कितने परसेंट वाला है, 10% वाला डिबेंचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, बींग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ पे 1000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर 100 में इशू किए हैं, तो 1 लाख 1 लाख। नंबर 2, ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन है ये दूसरे एंट्री में डेबिट हो जाएगा। ये एक बार क्रेडिट होता है, दूसरे वाले में डेबिट हो जाता है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर का नाम क्या है, 10%, ये सिर्फ नाम है डिबेंचर का। तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अब आता है केस 2। केस टू में है इश्यूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार, मतलब हम लोन लिए हैं 120 पर पे ऑफ करेंगे 100 रुपीज। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। थाउजेंड इंटू, इस बार हम लोग लोन कितना लिए हैं, 120 रुपया, तो 1000 × 120 करेंगे, जो भी इश्यू रहेगा मतलब उतना रुपया लोन लिए हैं। तो 1,20,000, 1,20,000 पर। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू, इसमें क्या है, प्रीमियम है, इसलिए इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। ये मेरा प्रॉफिट है, 100 का सामान दे रहे हैं और 120 रुपया ले रहे हैं, तो 20 रुपीज मेरा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये मेरा प्रॉफिट है इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसमें तो जितना से क्रेडिट हुआ है उतने से ये डेबिट होगा, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। पर याद रहे 10% डिबेंचर हमेशा 100 पे ही लिखा जाता है। तो यहाँ भी लिखेंगे 1000 × 100 मतलब 1 लाख, और प्रीमियम कितना है, 1000 × 20 मतलब 20,000। उसके बाद बोल रहा है
इशूड एट अ डिस्काउंट, रिडीम एट पार, मतलब हम लोन लिए हैं 90 रुपीज और पे ऑफ कर रहे हैं 100 रुपीज, जब भी पार रहेगा मतलब 100। तो इसका पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। थाउजेंड इंटू 90, जो भी इश्यू प्राइस होगा वो यहाँ पे इंटू होता है, मतलब 90,000 90,000। नंबर टू, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ये तो सभी एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री पास करे ये तो होगा ही। अब इसमें क्या आता है, जितने से ही क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट हो जाएगा, और इसमें क्या आता है, हमेशा 1000 × 100 मतलब 1 लाख। तो अब हम लोग का यहाँ पे डिस्काउंट था, डिस्काउंट हम लोग का लॉस है, क्यों, 100 देते हैं और 100 का सामान देते हैं और 90 रुपीज ही लेते हैं, तो 10 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, मतलब 1000 × 10। तो इस तरह ये भी हो गया। इसके बाद है हम लोग का केस फोर। केस फोर में क्या है, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, मतलब इशू हुआ है 100 पे और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। तो 1 में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, थाउजेंड इंटू 100, जो भी इश्यू प्राइस होता है, मतलब 1 लाख 1 लाख। नंबर टू, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। इसमें तो जो 1 लाख से क्रेडिट हुआ वही 1 लाख से डेबिट हो जाएगा, और इसमें हमेशा 1000 × 100 आएगा, मतलब 1 लाख। पर यहाँ पे जो प्रीमियम है, इशू के टाइम जो प्रीमियम होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, पर रिडीम करते वक्त जो प्रीमियम होता है उसको टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं, मतलब पे ऑफ करते वक्त मेरे को ज्यादा पे ऑफ करना पड़ गया, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मेरे को पे ऑफ करते वक्त ज्यादा पे ऑफ करना पड़ गया, कितना रुपया, 20,000 रुपीज ज्यादा पे ऑफ करना पड़ा, तो ये प्रैक्टिकली मेरा लॉस है। तो हम यहाँ पे लॉस में भी इसको डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो यहाँ पे 20,000 रहेगा वही 20,000 सिंपली यहाँ आ जाएगा। फिर है केस फाइव, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, मतलब इशू हुआ है 90 पे और पे ऑफ कर रहे हैं 120। यहाँ पर हम लोग का है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, ये तो होना ही है। तो और यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, 1000 डिबेंचर है और जितने में इशू किए हैं वो अमाउंट, मतलब 90,000,
और यहाँ जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट होता है, और यहाँ पे तो 1000 × 100 मतलब 1 लाख। अब जब भी ये रिडीम होता है प्रीमियम में तो हम लोग लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम कितना है? 1000 × 20 मतलब 20,000। और जब भी ये रहता है लॉस होगा ही क्योंकि हम लोग ज्यादा पे ऑफ कर रहे हैं, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और ये 20,000 है तो लॉस भी 20,000 रहेगा। अब ये इशू में डिस्काउंट है, डिस्काउंट हम लोग का डेबिट होता है, इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट ये 10,000, क्योंकि 1000 × 10 डिस्काउंट सिर्फ 10 रुपया का है, तो ये टैली हो गया। इधर भी 1,20,000 है, इधर भी 1,20,000। अब है हम लोग का केस 6, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। हम लोग इश्यू किए हैं 110 में और रिडीम कर रहे हैं 130 में, तो हम लोग का एंट्री कैसा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1000 × 110 मतलब 1,10,000, 1,10,000। उसके बाद नंबर टू, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, डेबिट हुआ था 1,10,000 से, क्रेडिट हुआ था तो फिर 1000 × 100 मतलब 1 लाख। अब एक एक करके सोचना है, हम लोग का इश्यू करते वक्त भी वहां पे प्रीमियम था जिसको हम लोग कहते हैं ट्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और रिडीम करते वक्त भी प्रीमियम था जिसको बोलेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडीम करते वक्त हम लोग का प्रीमियम था 30 रुपीज। अब जब भी ये प्रीमियम होगा लॉस होगा ही, जितने का प्रीमियम होगा उतने का ही लॉस होगा, तो दोनों तरफ 1,40,000, 1,40,000 है।